माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी बात कही है और हमारी केंद्र की सरकार इन सारे मामले को अपने ढंग से देख रही है और ये राज्य सरकार का कोई विषय भी नहीं है, ये केंद्र सरकार का विषय है, केंद्र सरकार उसको देख रही है। नहीं, लेकिन इससे पहले आप देखिए ना, जातीय जनगणना का मामला हो, जनसंख्या नियंत्रण का नहीं, जातीय जनगणना, जातीय जातीय जनगणना में तो बिहार विधान सभा एवं मंडल ने जो प्रस्ताव पारित किया है उसके आलोक में ये सारी बातें आ रही है और उसको केंद्र सरकार उसको देखेगी। अलग अलग राय जो आ रही है नीतीश कुमार की, इसको कैसे समझा? देखिए, अलग अलग दल है तो अलग अलग राय आएगी ना, कोई ये हमारे मंत्रिपरिषद की राय थोड़ी है। गठबंधन में सब ठीक है ना? एकदम ठीक है, गठबंधन में कुछ हुआ है क्या? आखिर इतनी राय नीतीश कुमार की अचानक अलग कैसे आ रही है? नहीं, नीतीश कुमार जी तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, माननीय जदयू के वरिष्ठ नेता हैं, तो उनका उन्होंने अपनी राय दी है। केंद्र सरकार, हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के की सरकार वहाँ है अन्य दलों के सहयोग से, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो सोच है वही हमारी सोच रहेगी। ना देखिए, बिहार विधानसभा ने उसे पारित किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी उस आलोक में माननीय प्रधानमंत्री जी से जो बिहार विधानसभा की भावना है उसको रखना चाहते हैं। शेष तो केंद्र सरकार को निर्णय लेना है। 2011 में भी तो सामाजिक और आर्थिक सर्वे हुआ ही था, उसमें कई प्रकार की विसंगतियां आई थी। केंद्र सरकार उन चीज़ों को देख रही है, कोई भी अगर हम निर्णय लेंगे तो उसका दूरगामी क्या प्रभाव पड़ेगा पूरे देश पर, उन सारी चीजों को तो देखेगी ना। नीतीश जी जिसको करना है वो उसको तो देखना भी पड़ता है ना। नीतीश जी चले गए, ओम प्रकाश, हम कोई मांग करते हैं वो ठीक है, मेरा अपना दृष्टि है, लेकिन जब कोई निर्णायक स्वरूप में रहते हैं तो उसको कई बिंदुओं को देखना पड़ता है। तो हमारी केंद्र की सरकार कई बिंदुओं को देखेगी, फिर यथोचित निर्णय लेगी। मेरा तो एक ही संकेत है कि हमारी राज्य की सरकार पूरे 5 वर्ष नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बेहतर ढंग से चल रही है और आगे भी चलेगी। ठीक है, थैंक यू।